हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर्स के बारे में। हम उसे क्लासिफाई करेंगे, वेरियस क्लासिफिकेशन में हम उस चीज को यहाँ पे दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम यहाँ पे जो डोर्स के बारे में बात करने वाले, 24 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर के बारे में हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ डोर्स बेस्ड ऑन देयर वेरियस क्लासिफिकेशन। सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के अकॉर्डिंग एक्सटीरियर डोर है या इंटीरियर डोर है, इसके बारे में बात करेंगे। बेस्ड ऑन मटीरियल, मटीरियल के बेस पे कि वो वुडन है, ग्लास है, स्टील, पीवीसी या फिर फाइबर ग्लास है, एल्यूमिनियम है या फिर एफआरपी डोर्स है। थर्ड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन डोर शटर, कि किस तरीके से वो ओपन एंड क्लोज होता है। फोल्डिंग डोर्स होते हैं आपके, स्लाइडिंग, स्विंगिंग, रिवॉल्विंग, रोलिंग शटर, कोलैप्सिबल एंड पाइवेट डोर्स आपके होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है हमारी वो है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि किस तरीके से वो बनाए गए हैं। आपके पैनल डोर होते हैं, फ्लश डोर होते हैं, लूअर्स डोर होते हैं एंड वायर ग्लेज डोर होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कि उसकी अरेंजमेंट कैसे की गई है डोर कंपोनेंट की। डोर के कंपोनेंट में आता है सबसे फर्स्ट बैटर्नड एंड लेस डोर, सेकंड है बैटर्न लेस एंड ब्रेस डोर, थर्ड है बैटर्न लेस एंड फ्रेम डोर एंड फोर्थ है बैटर्न लेस फ्रेम्ड एंड ब्रेस डोर। इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट आपका एक्सटीरियर डोर। एक्सटीरियर डोर जो आपके होते हैं, आपने देखा होगा घर के बाहर लगे होते हैं, जो वुडन के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, किसी भी टाइप के आपके डोर्स होते हैं। जो लोहे के होते हैं वो गेट होते हैं, वो डोर नहीं होते, डोर होते हैं वुडन के या फिर इस तरीके से जो आप देख रहे हो यहाँ पे। इंटीरियर डोर होते हैं जो आपके घर के अंदर लगते हैं, वो किसी भी मटेरियल के हो सकते हैं। दिस इज द बेस्ड ऑफ लोकेशन कि आपके डोर जो होते हैं या तो एक्सटीरियर पे लगेंगे या इंटीरियर पे लगेंगे। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ डोर बेस्ड ऑन मटेरियल, किस किस टाइप के मटेरियल के डोर होते हैं। फर्स्ट वन है आपका वुडन और टिम्बर डोर, जो नॉर्मली सभी घरों में होता है। वुडन एक बहुत ओल्ड मटेरियल है जो लोग यूज करते हैं। ये इसकी क्वालिटी होती है कि साउंड प्रूफ होता है, इंसुलेशन है, सिक्योरिटी के लिए ये यूज किए जाते हैं और बहुत से डिजाइन हैं जो वुड के और टिम्बर के अंदर हम बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की भी वुड होती है जिनको आप यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लास डोर। ग्लास डोर भी सबको पता है कि जिसमें ग्लास लगे होते हैं, कंप्लीट ग्लास होते हैं, जिसमें जो आपका लाइट वगैरह का है वो डायरेक्टली वहां पे एंटर कर सकती है। तो इस टाइप के आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये आपके कुछ ग्लास डोर्स हैं। नेक्स्ट है स्टील डोर। स्टील डोर होते हैं जो सिक्योरिटी पर्पज से ज्यादा लगाए जाते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है, बट वुड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनके इतना लुक्रेटिव नहीं होती, इतने अट्रैक्टिव नहीं होते जितना वुड और ग्लास डोर आपके होते हैं। नेक्स्ट है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड के डोर होते हैं, काफी यूज किए जाते हैं आजकल। ये स्क्रैच प्रूफ नहीं होते, ये हम वॉशरूम्स वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। इनकी मेंटेनेंस कम होती है, देखने में ब्यूटीफुल होते हैं। तो जो पीवीसी की जो आपकी मटीरियल होता है उससे ये क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका फाइबर ग्लास डोर, ये कॉमन यूज होने वाले डोर्स है जिसमें फाइबर ग्लास लगाया जाता है डोर के साथ में। तो इस टाइप के डोर जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दीज आर द फाइबर ग्लास डोर्स। नेक्स्ट आता है आपका एल्यूमिनियम ग्लेज डोर, ये होते हैं, ये ऑफिसेज वगैरह में ज्यादा यूज किए जाते हैं। आपकी एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग होती है और उसके बीच में आपके ग्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं जो ऑफिसेज वगैरह में लगाए जाते हैं, देखने में काफी ब्यूटीफुल लगते हैं। नेक्स्ट आपका फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक डोर, FRP डोर। ये डोर्स जो होते हैं ये वाटरप्रूफ होते हैं, ये इजी फैब्रिकेशन, लाइट वेट होते हैं, कोरिजन फ्री होते हैं। पीवीसी से ज्यादा इनको यूज किया जाता है वॉशरूम्स वगैरह जो होते हैं, जहां पे पानी का यूज ज्यादा होता है या फिर आपको लगता है कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग ये खराब हो सकते हैं, तो वहां पे ये डोर को यूज किया जाता है। काफी कॉमन डोर है जो आजकल काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ डोर शटर, कि आप किस तरीके से डोर को ओपन करते हैं, ये नेक्स्ट आपकी क्लासिफिकेशन है। कुछ डोर्स होते हैं जो फोल्डिंग डोर होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो कि जो आपका लीफ होता है डोर का वो फोल्ड होके ओपन होता है और फोल्ड होके बंद होते हैं। नेक्स्ट आपके जो होते हैं वो होते हैं स्लाइडिंग डोर, जो स्लाइड होते हैं एक्चुअल में, ठीक है, जो स्लाइड करके हम ओपन एंड क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आपका स्विंगिंग डोर। स्विंगिंग डोर जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहां पे एंट्री करते हैं, तो इस तरीके के डोर लगे हुए होते हैं जिसमें एक साइड से स्प्रिंग होता है, जैसे आप ओपन करोगे झट से वो बंद हो जाएंगे, तो इस टाइप के डोर को हम स्विंगिंग डोर बोलते हैं। नेक्स्ट होता है रिवॉल्विंग डोर, ये भी आपने काफी होटल्स में देखा होगा, जो रिवॉल्व होके घूम के ओपन होते हैं,
तो ये भी काफी कॉमनली होटल्स वगैरह में ज्यादातर ये यूज किया जाता है। उसके बाद रोलिंग शटर, ये भी आपने देखा होगा, जो आपका गैरेज का शटर होता है, जो आपकी शॉप्स होती है उनके शटर्स होते हैं, तो इस तरीके के आपके डोर्स रोलिंग शटर वगैरह होते हैं। उसके बाद है कोलैप्सिबल डोर्स, जो आपने देखा होगा बैंक वगैरह में लगे होते हैं, वो जाल बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, या फिर घरों में भी यूज करते हैं बिल्कुल एक्सटीरियर पे, तो सिक्योरिटी पर्पज से काफी अच्छे होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, तो इनको भी हम कंसिडर करते हैं ऑपरेशन ऑफ डोर शटर में। नेक्स्ट आता है पाइवेट डोर। पाइवेट डोर क्या होता है कि वो एक साइड से हिंजिस से नहीं लगा होता, मान लो ये डोर है एक साइड से ऐसे हिंजिस से लगा होता है, एक्चुअल में ये मिडल में कहीं पे अटैच किया जाता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो मिडल से अटैच किया जाता है, और एक पाइवेट के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग ये रिवॉल्व होता है, उसको घुमाया जाता है। तो इस टाइप के डोर ज्यादातर यूज नहीं किए जाते, वो कहीं पे रेयरली इन सब चीजों को यूज किया जाता है, जहां पे स्पेस का इशू हो, आप कंप्लीट डोर ओपन नहीं करना चाहते हो, तो उस टाइप की जगह पे आप इस डोर को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कि आप किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले होता है पैनल डोर, ये बहुत कॉमन डोर है। पैनल डोर का मतलब होता है आप इन डोर्स के अंदर जो ये पैनल देख पा रहे हो अलग अलग बॉक्सेस, जैसे ये 6 पैनल डोर है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 6 पैनल डोर है, और इसकी बात करूं 4 पैनल डोर्स है, तो बीच में ये पैनल्स बनाए गए हैं, जो फ्रेम्स जो आप देख पा रहे हो, डिजाइन देख पा रहे हो, दीज आर पैनल्स, ये आपके पैनल्स होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो घरों में कॉमनली यूज किए जाने वाले डोर्स होते हैं, जो डिजाइनेबल डोर्स होते हैं। नेक्स्ट वन है फ्लश डोर। फ्लश डोर होते हैं जो प्लेन होते हैं, उनमें कोई पैनल नहीं होता है, इस टाइप के डोर आप देख पा रहे हो, दीज आर फ्लश डोर, दोनों साइड से प्लेन होते हैं, ये साफ करने में थोड़ा इजी रहते हैं, लेमिनेटेड ये डोर्स हो सकते हैं, क्लियर है, तो ये फ्लश डोर होते हैं। नेक्स्ट वन इज लूअर डोर। लूअर डोर क्या होते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो वुड के बीच में जाली टाइप वुड से ही वो ग्रूव्स बनाए गए हैं, ये ऐसी जगह पे यूज होते हैं जहां पे आपको एक ओपन एरिया में भी रहना और प्राइवेसी भी मेंटेन करनी है, जैसे वॉशरूम्स वगैरह में अगर आप होटल्स वगैरह में या फिर मॉल्स वगैरह में देखते हो तो इस तरीके के आपको दिख जाएंगे कि वेंटिलेशन भी मेंटेन करनी है और ग्रूव्स भी रखने हैं, ताकि बाहर से अंदर ना देख पाए और अंदर से बाहर ना देख पाए, बट वो वेंटिलेशन है वो मेंटेन रहे, तो इनके बीच में ग्रूव्स होते हैं, वो टेढ़ी करके वो लगाई जाती है वुड की, तो ताकि वो ट्रांसपेरेंसी या फिर वेंटिलेशन बनी रहे, तो ये आपके लूअर डोर्स होते हैं। नेक्स्ट है वायर गेज डोर। वायर गेज डोर होते हैं आपके जैसे आपके लगे हुए होते हैं कैंटीन में, किचन में, कपबोर्ड्स में यूज किए जाते हैं, या फिर फूड स्टोरेज को रखने के लिए, रिफ्रेशमेंट रूम्स को रखने में यूज किए जाते हैं, वुड होता है, वुड का या एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है, और बीच में आपकी जाली होती है स्टील की, आयरन की, जो भी है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस तरीके के वायर गेज डोर होते हैं। अब आता है डिपेंड ऑन अरेंजमेंट ऑफ डोर कंपोनेंट, दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट। एक्चुअल में क्या होता है कि एक डोर बनता है, अब ये एक है बैटर्नड एंड लेस डोर। बैटर्नड होते हैं जो ये वर्टिकल पार्ट आप देख पा रहे हो, दीज आर बैटर्न, ये इनको बैटर्न बोला जाता है, और जो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है दीज आर लेस्ड, ये आपकी लेस होती हैं। अगर मैं एक डोर की क्लासिफिकेशन दिखाऊं आपको, सबसे ऊपर होता है, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हेड, जो आपका ये साइड का है दीज आर फ्रेम, ये आपके फ्रेम होता है, ये हिंज होती है जिससे स्क्रू करके उसको लटकाया जाता है, उसे फिक्स किया जाता है। जो वर्टिकल पार्ट होता है वो बैटन कहा जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है वो लेस होता है। टॉप है तो टॉप लेस, मिड है तो मिड लेस, या फिर बॉटम है तो बॉटम लेस होता है आपका, इस तरीके से बैटन एंड लेस डोर इस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट की बात करूं बैटन लेस एंड ब्रेस डोर। वर्टिकल पार्ट बैटन होता है जो आप रेड कलर में देख पा रहे हो, लेस होता है जो आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, और जो स्लोप में लगाया जाता है पार्ट को सपोर्ट के लिए वो ब्रेसिस डोर होते हैं, क्लियर है, उसको ब्रेसिस डोर नहीं, उन्हें ब्रेसिस बोलते हैं एक्चुअल में। थर्ड आता है फिर आपका बैटन लेस एंड फ्रेम, जिसमें बैटन भी होती है, हॉरिजॉन्टल लेस पार्ट भी होता है, और एक फ्रेम भी होता है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दीज आर बैटन, ये फ्रेम है और ये लेस है आपका, तो ये डोर है बैटन लेस एंड फ्रेम डोर। एंड लास्ट वन होता है बैटन लेस फ्रेम्ड एंड ब्रेस डोर, जिसमें बैटन भी होती है, लेस भी होती है, ब्रेसिस भी होती है, और फ्रेम भी होता है। तो ये है आपके सारे डोर के, आपकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन मटेरियल, बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑफ डोर शटर, एंड बेस्ड ऑन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंड बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ डोर कंपोनेंट्स। तो ये सारे टाइप्स के डोर होते हैं, इससे अलग कोई डोर नहीं होते,
होते हैं, उनके नाम भी अलग होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे बाद में कभी। बट मेनली जो यूज होने वाले डोर होते हैं सभी घरों में इंडियंस, उसमें अगर बात करें इसी टाइप के डोर हम यूज करते हैं। क्या क्या मटेरियल है वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इस टाइप की वीडियोस अगर आप और चाहते हैं, तो प्लीज अभी के अभी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जल्दी से मेरे चैनल पे जाएं। इस टाइप की वीडियोस और आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1,00,000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो पाए तब उसके बाद मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेके आने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।